अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोखर पिजन क्लब। दोस्तों जो दोस्त चैनल पर नया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बड़ी और बहुत ही गगनचुम्बी वीडियो होने वाली है, ठीक है। ये माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं, रईस भाई हमारे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें भेजे हैं, तो आज एक सरप्राइज़ है आप दोस्तों के लिए। दोस्तों बात यह है कि दरअसल आपको पता है कि जो है ना, बहुत सारे दोस्त हमसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि यार उमर खोकर अच्छा शौक करे और हम उसको सपोर्ट करें या हम उसका अच्छा शौक देखें ताकि एक इन्वायरमेंट पॉजिटिव बना रहे। ऐसा ही है। रिमी आज माशाल्लाह बड़ी देर के बाद आ गया है। रिमी डोंट, तुम कहाँ गायब हुए थे ये बताओ यार। हम इधर ही बस मसरूफ थे। हाँ बस मसरूफ थे कहीं स्टडी। दोनों भाइयों ने चैनल माशाल्लाह बनाए हैं कि बना के चलाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं दोनों चल रहे हैं बस। चला चलाओ चलाओ दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कई दिनों से ना, आ जाओ। ये भी बच्चे पिछले दिनों छोड़ के गया हूँ, अभी कुछ बच्चे हो रहा है माशाल्लाह, वो भी छोड़ के जाएंगे, रंग रूंग लगाएंगे। दोस्तों बात ये दरअसल कि ना, कुछ दिनों से प्लान कर रहा था मैं, कुछ दिनों से नहीं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। पहले मैंने अपने घर की छत बनाई, आपको पता उस पर कितनी चीज़ें बनाई, हर चीज़ सेटअप रेडी किया, फिर कबूतर भी बनाया। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार देखें, जो शौक़ है ना, हर इंसान की कोशिश होती है वो मज़ीद आगे से आगे जाए। अब जो मेरा शौक़ है ना, वो अब छोटा मोटा नहीं रहा, पहले था, बचपना था, छोटा मोटा शौक था। अब मैं चाहता हूँ कि यार हम ये शौक कर रहे हैं तो फिर इस शौक को करना पूरे पारों के साथ, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। आपको बताइए, माजी में हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद जेदी गुजर के पास छत थी, ठीक है, तो वो ये ऑन कर रहे थे छत, इसको ज़रा अपने तरीके से मैनेजमेंट कर रहे थे, तो लिहाजा मेरे काफ़ी टाइम से बादशाह तोड़ थी वो। आपको पता है अकेले रह गए, वैसे भी हमारे सरपरस्ती है उनके साथ, सामला की हमारे उस्ताद की, लेकिन वो थोड़ा सा ना, यानी कि कह रहे हैं कि नहीं इतना टाइम दे पा रहे, मच्योर बन पा रहे। तो मैंने इंशाल्लाह डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जहाँ पे मेरा घर है ना, पहली बात तो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है ना मुझे, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ तो लोग समझने की कोशिश करें, मेरी यह फैमिली, पहले मैं कुंवारा था, मेरे शादीशुदा, कल को बच्चे होने हैं और कल को सौ मामला था, ऊपर से जिस एरिए में वहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर मल्लेदारी का बड़ा मुझे डिसएडवान्टेज है, लाइटें बाल देता हूँ, रोज़ लामे आए होते हैं, वो मैं कभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे साथ उसका जाल भी है, वो भी है, वो ना एक जगह बहुत अच्छी है छत थी, लेकिन जो मैं चीज़ अचीव करना चाहता हूँ ना कि मैं बड़ी बाजियाँ खेलूँ या बड़े लेवल पे शौक करूँ, तो वो मुझे छत सूट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ। ये डेरा है, इधर बहुत सारे दोस्तों की मिलने की भी ख्वाहिश रहती है। अब ये उस्ताद जेदी से जो है ना, उस्ताद जेदी के पास थी उस्ताद हमारे, हमारी छत तकरीबन ये समझ लें आज अनाउंसमेंट कर दी है, 21 अगस्त है आज, क्या ना कि 22 अगस्त है, इंशाल्लाह ये आज के बाद इंशाल्लाह उमर खोकर ये छत ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये सरपरस्ती हमारे उस्तादों की रहेगी ऊपर, बहुत जल्द छत की रेनोवेशन होने वाली है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम ये उमर खोकर का शौक इस छत से होगा, ये ओपनली आज रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, कल को कोई ये ना कहे कि उमर खोकर अपने, देखें वो भी मेरे घर की छत है, लेकिन ये मैं अब अपनी बड़ी छत बना रहा हूँ जो कि उमर खोकर की और उसके उस्ताद के नाम से आगे ये कंटिन्यू ऑनवर्ड होगी। तो अभी करके जो हमारे बच्चे बुच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह कल से इधर आ जाएंगे, थोड़ी सी इसका पीला रंग तो मुझे ज़्यादा लगता है, ये रंग भी मैंने चेंज करवाना है, और ये सारी अपने अंडर ले ली है छत। अंडर से मुराद ये है कि इसका जो है ना, छत मालक कह लें या ओनर कह लें या वो है, वो मैं हो जाऊँगा, ठीक है, लेकिन हमारी सरपरस्ती जो है हमारे उस्तादों की होगी साथ में। ये मैं ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, लोग कहते हैं ना ये उसकी छत है, तो वो हमारे उस्ताद है, हम एक ही प्लेटफार्म पर जो है ना वो शौक करने जो है ना अपना रेडी है। बाकी कोशिश मेरी ये थी कि यार थोड़ा बड़े लेवल का शौक हो दोस्तों, ताकि क्योंकि ये छत हमें सूट करती है, बड़े लेवल का शौक यहाँ से जो है ना हम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। दो तीन दिन से क्या, काफ़ी टाइम से हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो फाइनली अब डिसाइड हो गया इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एक दो दिन के अंदर अंदर इसकी रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगी, पूरा प्रॉपर आपको वीडियोज़ बना के शेयर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम असू के बाद, ये जो असू है ना, ये सिर्फ मैं अपने घर से उड़ाऊँगा, उसके बाद मेरी सारी कबूतरबाजी उमर खोकर की छत से होगी। अगर किसी को तराज हो तो वो मेरे साथ डायरेक्ट बाजी लगा सकता है अपना मुझसे, क्योंकि वो अब छत हमारी होगी हुई है, ये मैं खुद यहाँ पे बेसिकली चढ़ गया हूँ, यहाँ से तैयारी करेंगे अपना। आप नेक्स्ट टाइम आपको वो छत, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट टाइम अपने घर पे अच्छे ब्रीडर जोड़े रखें, अपनी जेरी निगरानी और उड़ाने वाला शौक यहाँ से करें, क्योंकि इंसान को मज़ीद अपनी बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए। घर से मैं वो उस लेवल का शौक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जगह भी सूटेबल नहीं, ऊपर से एक तो धर्मपुरे की सबसे ऊँची छत है, डेरा बना हुआ है, पुरसकून मोला कोई भी दोस्त मिल सकता आ सकता है, घर की किचकिच नहीं है, मल्लेदारों की किचकिच नहीं है, ठीक है। और ये मैं प्लान कर रहा था, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है, डेरेदारी में कबूतरबाजी होती है। ये मैंने आपको पहले भी ये देखे ना, सारा एरिया माशाल्लाह नज़र आ रहा है, काफ़ी रेनोवेशन हमने करवानी है छत की, ये भी करवाना भी, आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्कशन करके बताएँगे। ये देखें वो मालो फ्लोर है,
ठीक है, वो गुलबर्ग की बिल्डिंग है सारी दिखा जरा, ये देखें वो सामने कजाफी स्टेडियम है, यहाँ पे सारा सदर आ जाता है ठीक है। और इधर आ जरा, इधर से हम आपको दिखाते हैं, इधर से भी लेकर चलते हैं आपको। बाकी फटाफट से ये भी माशाल्लाह हमने डेरा डूरा बनाया है, वो देखें वो नासर का जाल है, वो शानी के जाल पे क्लोज करके दिखा। हाँ वो देखें वो छत हमारी है बिल्कुल क्लियर, यहाँ से बैठ के हम अपना भी शौक देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ा मज़ा आएगा, हमें बड़ा लेवल का शौक करेंगे। जो लोग चाहते हैं ना कि हम लोग बंद करना ज़रा, तो जो चाहते हैं ना कि यार उमर खोकर बड़ा शौक करें, हम सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये छत आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको यहीं से जो है ना मज़ेदार किस्म का नेक्स्ट लेवल का शौक शुरू करवाएँगे। और आप लोगों के सपोर्ट की प्यार की जो है ना शायद ज़रूरत है हमें इंशाल्लाह, तो हम अपने शौक दिखाएंगे आप दोस्तों के साथ। बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी प्यार करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। फिर और एटमॉस्फेयर बहुत आला, ये देखें तकरीबन ये 5 मंजिला छत है, ये देखें वादी में। और मैं हमेशा से ऐसी छत जाता था कि यार हमारा डेरा हो और इसमें हमारे उस्ताद जी 6 मंजिला है, और हमारे उस्ताद जेदी गुजर, हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरी खुशकिस्मत यह दोस्तों कि हमारा ऐसा उस्ताद है विदाउट एनी लालच, विदाउट एनी फटीक जिसे कह लें, कभी कोई फरमाइश नहीं की। और एक बहुत अच्छा बंदा है, सादा बंदा है और फने कबूतरबाजी में माहिर आदमी है। इंशाल्लाह ये ऑन रिकॉर्ड हम अपने साथ को कैरी करेंगे, क्योंकि अभी मेरा इतना प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन इंसान स्टेप बाय स्टेप भी ऊपर जाता है। इंसान कहे ना मैं डायरेक्ट ऊपर चले जाऊँगा तो ड्रम से नीचे गिरता है, हम अपने साथों को साथ जोड़ेंगे, उनको लेकर चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा हम भी मुकाम हासिल करेंगे। बेसिकली शौक करने की ख्वाहिश है, शौक करने का एक पैशन है, नाम है कि यार हमारा भी एक नाम हो मार्केट में। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कबूतरबाजी में हो के लोग यार भला बोलें कि यार वाकई शौक कर रहे हैं, तो वो हमें सूट करती है। तो उस्ताद जिद्दी गुजर ने भी मुझे समझाया कि नहीं यार उमर तुम ऐसा करो, तो बिल्कुल उस्ताद है बड़े हमारे, तो उन्होंने हमें अच्छा मशवरा दिया बड़ा प्यारा कि घर की कबूतरबाजी आपको पता है आप लोग इस चीज़ को नहीं फेस कर सकते। मोस्टली जो बड़े बड़े कबूतरबाज उन्होंने डेरे बनाए होते हैं, घर की कबूतरबाजी सिर्फ मैं इलाका वाइज कर सकता हूँ, धर्मपुरा उड़ा लिया, मुगलपुरा उड़ा लिया। अगर मैं कहूँ ना मैं लोअर लेवल की कबूतरबाजी घर में रह कर कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये डेरादारी होता है 100 लोग आते हैं, 100 लोग जाते हैं, ये कंबाइन शौक टीम वर्क हो जाता है। बाकी उस्ताद जी की तरह से थोड़ा सा हेलो है, सलाम अलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। और ये हमारे फादर इन लॉ, ये भी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बेसिकली जो है ना जिंदा दिल आदमी, ये अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, क्या नहीं भाई ठीक ठाक हो? मैं उन्हें सारी वीडियो बनाई तुम गुप्त वो सहसा जी, जरा सही होकर थोड़ा जहाँ बैठा हो आज इंटरव्यू दो उस्ताद जी की गुजरते बड़े चैनल लेने जी, थोड़ा जहाँ बोलो मैम शादी की थी कि मैं हूँ इधर आ गया उस्ताद जी, अच्छा ताे को असी खिदमत ताी लै लीती है टेक ओवर कर लीती है। घर का मसला खोखर देना तो कोई दोस्त आते वा तो फिर नहीं उत्ते थले कराया जाता, क्या सारी बड़े लोग मैंने मिलने वाले भी आते चाहत करते वा तो घर के उत्ते लैके जाना, तो मैं यार डेरा है तो इतने बना ला शौक बेहतर गल है, कोई डेरा वगैरह बनया डेरा कोई चाहत ला के मिले तेन आ। तो ये उस्ताद जी कम ही बोलते हैं हमारे आपको पता है, तो उस्ताद जी उनका घर टोटली बहुत सारे लोग जड़े ने ना बड़िया गल् कर दुनिया का कम है गल प्यार भी बहुत कर हूँ कह लोग भाई घर मैं उन्होंने ए कहता कि यार असी शो कर रहे हैं हूँ उमर खोकर की छत है वही है ए छत असी नया नाम डिसाइड करा इंशाल्लाह, पहले जो उड़ती सी खत्म हो गई, असी इस तरीके शो करा। ये हमारे उस्ताद मोहतरम है दोस्तों, और इंशाल्लाह हमारी सरपरस्ती जेर साया हमारे उस्ताद मोहतरम की ये छत हमारी हम अपनी ऑनवर्ड करेंगे ठीक है। ये हमारे उस्ताद हैं, ये इनकी छत भी है, ये मेरी छत भी है, ये हमारे सर पे मौजूद हैं, तो हम सबको जीते हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। कुछ लोगों की बड़ी गलत फहमी है कि उमर खोकर के उस्ताद से जो है ना हमारे उस्ताद हमारी जो है ना वो खुशकिस्मती हमारे पास होती है और हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। लोग अब हमारा मिलना जुलना इतना नहीं होता क्योंकि मसरूफियत बढ़ी है, तो हम इंशाल्लाह हमने कहा उस्ताद जी तुम सिर्फ बैठना साढ़े को बस सानू सिर्फ साड़ी रहनुमाई करनी है, इंज नहीं है साडा साया होना बहुत जरूरी है। चंद दिनों में चंद सालों में छत ने वो परफॉर्मेंस दी है जो बड़े बड़े लोग उंगलियाँ ले गए, बस एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसी हैपन हुई पिछले साल में कि लोगों को बातें करने का मौका मिल गया ठीक है, थोड़ी सी गलती ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मैं हम उस्ताद के साथ कल भी देख हो जाती है इंसान से, लेकिन यह है कि लोगों ने ना उसको अपने मकसद के लिए यूज़ किया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी थी, बहरहाल हम वो बातें नहीं करते, लोग फिर घुमा फिरा के वही बातें करते हैं। खैर बातें करने वाले करते थे करते हैं करते रहेंगे, लेकिन जो प्यार करने वाले लोग हैं वो भी करते हैं इंशाल्लाह। उमर खोकर का आपसा वादा रहा, उस्ताद जिद्दी गुजर के जेर साया हमारे बड़े उस्ताद हैं उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब भी, उस्ताद बिशाशाह साहब ये मेरे फादर इन लॉ, ये भी हमारी पार्टी के, इनको भी बहुत शौक है कबूतरबाजी का। हम मैं चाह रहा हूँ कि हम सारे इकट्ठे हो गए ना हमारा एक ही और जो है ना शौक हो, क्योंकि हम हमारा बैठना उठना है खाना उठना है पीना उठना है, पार्टी एक है उस्ताद एक है शिगिर्द एक है, तो क्यों हम ज़्यादा ज़्यादा करें,
तो इनका भी उस्ताद का भी बड़ा किरदार है कि मुझे समझाया। पहले मैं अग्री नहीं होता था, मैं कहा नहीं उस्ताद जी कार कार अपना, उन्हें कहा तेरी छत है तू स्याह कर स्वेदी कर लेकिन कार आ। तो आप लोग फैमिली की जरूरियात आपको पता है नहीं कर सकते उस्ताद जी, बहुत मुश्किल है लेकिन कार नहीं कर सकते लोग नहीं समझ आती कार। मोस्ट वेलकम, इधर आके सोए रहो अमर खोकर 24 आवर अवेलेबल। बच्चे लेके आने लाके छोड़ो, अपना नाम लेके अपना रंग लगा के छोड़ जो आगे इधर डेरा बना। अभी हमने काफ़ी रेनोवेशन करवानी है छत की और इंशाल्लाह इस छत के नीचे ये गिरवी पे है मकान, वो भी इंशाल्लाह जो है ना हमारी कोशिश है कि हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह लेके ना कोई हमारा प्रॉपर एक सेटअप बन जाए छत का, ताकि हमारा बेहतरीन किस्म का आला किस्म का नफीस किस्म का हमारा शौक हो सके, देखने वाले और साथ जुड़ने वालों को भी मज़ा आए, शौक हो अच्छे लेवल का। पहले हम अपने इलाके से शुरू करेंगे, फिर इलाके से बाहर कहेंगे इंशाल्लाह मजीद शौक को फैलाएंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये पिछले साल बाहर लोगों ने अच्छे अच्छे तरह बारी लाई है जरा, और उस्ताद के साथ अब हम जुड़ गए हमारे जो नाम है तो हम मजीद इसको अपग्रेडेशन करेंगे। लाओ बाहर ही लाओ तो फिर ही ना निकल। नहीं मैं हूँ ओपनली कहता उस्ताद जी असू है मैं डाल रहे बस अपने घरों, असू तो बाद नेक्स्ट सीजन उमर खोकर का जेड़ा भी गया उतो ही उठेगा अपने नाम तो छत उठेगी। किसी ने कोई इतराज़ है तो वो पहले तो सानू दस देता है, इसमें कोई लामा नहीं है। बड़ी दुनिया करती है अपने घर से बाहर जाती है डेरे बनाती है, ये कहीं लिखा नहीं कानून में कि अपने घर से ही कबूतर उड़ाने हैं, ये जस्ट एक हमने लोगों ने बात करोड़ा भाई कार फैमिली नहीं जगह से घरों की थोड़ा ही है ठीक है, ताड़े वसाइल है तुम बाहर अफोर्ड कर सकते हो तो बिस्मिल्ला। खैर उस्ताद जी भी आपसे आपको पता इतने ही बोलते हैं, बाकी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रही ना तो उस्ताद जी का फ़न आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने हमें दिया और जो खुद जानते हैं। सादा पर्सनैलिटी है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, ना बोलता ज़्यादा लेकिन कबूतरबाजी में मैं ये कह रहा हूँ कि इस इलाके में चंद सालों में पता नहीं कितने कप जीते हैं, 7-7 बजे के बाद कबूतर बैठाए हैं कंटिन्यूसली पैरों में, लोगों का ख्वाब होता है अपने बलबूते पे, कोई मावत नहीं कोई कुछ नहीं, उस्ताद जेदी खुद मेहनत करने वाला बंदा है। तो हम उस्ताद जेदी को साथ अपने अटैच करके उनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह आगे चलेंगे, बाकी आपको आगे लेकर चलते हैं। वो लगता है कबूतर एक मारा अपने ही पकड़ा हुआ है और घर में इंशाल्लाह अपने मौसम भी देखें आप पाएं तो सीधे कुछ बोले नहीं तो ये बोलो कुछ सही यार तू ठीक बोल रहा है देख मेरी गल सुन जिते तू बोल रहा उसे मेरी हूँ नहीं नहीं क्यों नहीं तुम क्यों नहीं बोल सकते देखो तेरी कबूतरबाजी इंशाल्लाह ताला बेहतर होएगी असी इंशाल्लाह अपना पार्टी दा अगे जाना मजीद डेरेदारी कबूतरबाजी है जी जी जिस तरह तुम करोगे उस तरह ही बदती जाएगी इतने कोई टेंशन नहीं पल्ला मारो अपना सुकून ना बैठो तो देखते रहो उन देखा सवेरे पल्ला मारिया दो बच्चे वो सामने लगे इन ऊपर हाँ ये देखे ना दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके दिल खोल के बताइएगा यार ये कैसा डिसीजन है माशाल्लाह। इधर आपका उमर खोकर भाई है बसु के पास, इधर ही टाइम देगा इंशाल्लाह, रिमी डोन आए अब्दुल्ला डोन आए जो आए इंशाल्लाह इधर ही। अभी हमने काफ़ी रेनोवेशन इस छत की करवानी है और मेरे हिसाब से ये मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेहतर फैसला है और ये मुझे बेहतर इंशाल्लाह बचे बुचे के जाएंगे। छत की थोड़ी सी रेनोवेशन करवाने वाली हुई है लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रेनोवेशन इसके करवा लेंगे, थोड़ा सा जो है ना इसमें टाइम दरकार है। ये देखिए ना उस्ताद जी के हाथ में थी ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियली भी उस्ताद जी नहीं इसको टेक ओवर कर रहे थे लेकिन मैं इंशाल्लाह आप खुद आ गया तो आप इंशाल्लाह मज़ेदार बनाएंगे शौक कराएंगे। देखें शौक देखने वाले शौक देखते हैं, चाहे वो मेरा घर हो चाहे यहाँ हो ये भी अपना घर ही, जब हम ऊपर आ गए हम अपना सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये हमारी छाती है। ये इंशाल्लाह आज ये कल इधर 50 बच्चे होंगे, कल अपने घर में 20-22 बच्चे हैं वो सारे कल से इधर आ जाएंगे क्योंकि अब हमने मजीद वहाँ से शौक कैरी ऑन नहीं करना, देखेंगे कोई इसू उसू का त्यौहार एक दो डाले जिसको खाली शौक नहीं घर ही डाक घर ही डाक जल्द घर भी रखे इन्हें। रिमी डोन से मिलना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिमी जी, तुमने वीडियो बनाई सारी गुफ्तगू सुनी तुम्हारी क्या राय है? मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि घर में आपको पता है कबूतरबाजी अपनी होती है, डेरेदारी पे कबूतरबाजी है क्योंकि अब लोग शौक देखते हैं लोगों का, जैसे आपका शौक है ना आप अच्छे कबूतर उड़ा रहे हो, लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि यार उमर भाई का शौक देखने जाएँ और आपको पता जब घर में रखे होंगे तो आप एक बंदा कैसे ऊपर बुलाए, घर में से निकल के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अगर ये डेरेदारी है अब कोई बंदा आया ना आपने कहा ऊपर आ जाओ आप शौक देखो, भावें 100 बंदा है भावें 50 है पीछे जगह है काफ़ी, ये सारी जगह है बंदा आराम से शौक देखे सुकून से इंजॉय करे, अब घर में शौक नहीं होता यार। जो छत लेने लगा था उसके बारे में हम उधर इतने पैसे जाया कर रहे थे इतना पीछे पड़े थे इसलिए पड़े थे कि हमारा डेरा हो तो हमें ये तो बना बनाया डेरा मिल गया, हमारे पैसे भी बच गए, हमारे नसीब में नहीं लिखी हुई चलो ये छत हमारे नसीब में है तो इसी को इनके रेनोवेट करते हैं अच्छा तरीके से, इनको सेपरेट करते हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं वो करेंगे अच्छे तरीके से, फिर शौक सही अच्छे तरीके से होगा, शौक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने छत से सूट आ रहे हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं ना ये नहीं कि अचानक से मेरा ये प्लान बन गया, मैं काफ़ी देर से जो है ना वो सोच रहा था यार क्योंकि घर से मूव करने का, क्योंकि मैंने जब बनाई ना छत वह मेरा ये जहन नहीं था, पहले मेरा जहन था अपनी घर की छत बन जाए, वो जैसी बन गई तो फिर मेरा अब जहन था कि यार अब बड़े लेवल पे जाना है, वो उधर रह के पॉसिबल नहीं है।
टीम वर्क चाहिए, थोड़ा टीम वर्क के साथ शौक होता है, बहुत सारे लोग करते हैं जो बड़े लेवल का शौक करते हैं। नीचे बाथरूम भी इंशाल्लाह बनाएंगे, किचन भी बनाएंगे, अपना बैठने की जगह भी बनाएंगे। ये माशाल्लाह कुछ बच्चे बुचे भी हैं, ये भी छोड़ेंगे, ये भी करेंगे। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स के साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं, और आज आपको डिटेल ये वीडियो बना के दिखाइए इसलिए ताकि लोगों को जो है ना कल को ये ना कोई कह के उम्र खोकर अब आ गया। हमने पहले डिसाइड किया हुआ है और इंशाल्लाह एक या दो दिन से यहाँ की रेनोवेशन शुरू हो जाएगी और यहाँ पे उम्र खोकर अब खुद टाइम। और सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, ये 10 मिनट में हम इधर 10 मिनट में इधर। हमारे साथ सबसे बड़ी जो हमें एडवांटेज है वो ये है कि हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम भी है, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, ये भी साथ टाइम देंगे क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बन चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बुरे हालों में हैं, एक लोग चाहिए कि इंटरटेनमेंट हो, कोई हब ऐसी हो, कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे सारे गेट टू गेट हो जाएं। तो चलो अल्लाह ने हमें वसीला बनाया या हमें इस काबिल किया अपने दोस्तों के बदौलत, तो हम क्यों ना सबको कंबाइन लेके जुड़े। इंशाल्लाह शौक होगा तो कोई भाई इतराज़ ना करें, किसी को शौक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी शौक होगा पहले वॉर्न कर दिए। ऐसा नहीं कहा कि भाई सीज़न में कह दिया उमर खोकर ने छत, मैंने सीज़न ऑफ सीज़न ही पान कबूतर आया किसी का अपना ऑफ सीज़न ही हमने जो है ना ये अनाउंस कर दिया हुआ है कि यार आने वाले वक्तों में हमारा शौक, मेरा शौक ये मेरी अपनी जो है ना ये छत ऑन करने लगे, हम अपने घर को बाइंड अप करने लगे। जिसने 1-to-1 बाजियाँ लगानी हो ये शौक करना हो डायरेक्ट मुझसे मिले, मैं हम ही लगाने के लिए तैयार हूँ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई आपको कहे तो फिर बात है। ये चीज़ें जो है ना बड़ी नोट की जाती हैं, लोग जो है ना भी बहुत सारे लोग बात करेंगे भी, तो मैंने इसलिए पहले अनाउंसमेंट कर दिया कल को ये ना कहे मौके पर आ गया कि नहीं असू मैं अपने घर से डाऊँगा, उसके बाद मेरी देखूँगा मैं नेक्स्ट जो मेरा वसाक और असू जेड़ जूड़ है ना दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं कोई लोर से बाहर नहीं चला गया, बिल्कुल इतराज़ वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चौथे मल्ले में हैं, चंद कदम सही बात है, आधा चंद गलियां छोड़ के इधर आ गई हूँ, ठीक है। और ये छत ऑन करने लगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसका इफ्तिताह भी करेंगे, इसको पहले रेनोवेशन करवा लें अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव वे पे वीडियोज़ भी बनाएंगे और आपको शो भी कराएंगे। और डेरा ये बनेगा यहाँ पर, डेरे के लिए मोस्ट वेलकम, कोई भी दोस्त आ सकता है बैठ सकता है, और इंशाल्लाह आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, गफूर रहीम इंशाल्लाह। उमर खोकर के साथ आप लोगों का तावन है और अल्लाह ताला का साथ है इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमतें हैं, हम मज़ीद तरक्की करेंगे, पीछे नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने गिराने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र, अल्लाह ताला हर स्टेप ऊपर ही लेके जाता जा रहा है, ऊपर ही लेके जाता जा रहा है। ये बच्चे ने बच्चे बच्चों को दाना चाना डाला है और काफ़ी जो है ना प्यारी शहरी कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, अपना शौक हमने करना टॉप क्वालिटी का, बड़े बड़े सींगों से सींग बजाएँगे इंशाल्लाह, कम से कम लाहौर की कबूतरबाजी जो समेटे ज़्यादा नहीं, तो क्या नहीं सही बात है। बाकी अभी इतने वसाइल नहीं है कि मैं बाई डेरा बनाऊँ, जगह खरीदूँ अपनी, वो भी ऑनर अगर हो तो वो तो उससे भी बेहतर है, लेकिन वो टाइम के साथ ही है कि मैं कोई बाहर आउट ऑफ लाहौर से बाई डेरा बनाऊँ, वहाँ पर शौक करूँ, वहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी कबूतरबाजी करूँ, क्योंकि शौक अब यही रह गया। जब आप किसी गेम में आते हैं ना, डी ऑन करता हूँ, आप सोचते हैं इसमें मैं कैसे चीज़ें आगे जाऊं, उसके लिए सबसे प्लेटफॉर्म आपकी छत किस जगह पे है, कैसी है, वो बड़ी डिपेंड करती है। आप खूह में रख के अच्छा, अब जिमी के छत है, इसको मैं चौधरी चक्की के एक नंबर भी कबूतर ला कर, मियाँ नज़ीर के एक नंबर भी कबूतर ला कर दे दूंगा, वो भी नहीं घर बैठेंगे, बता मुझे बैठा लेगा, एक बैठ जाएगा 10 नहीं आएंगे, सही बात है, क्योंकि तेरी छत ही नहीं है। वही कबूतर हम कि अच्छी जगह पर छोड़े जहाँ पर डेरा, वहाँ पर वो पूरे पाकिस्तान को जीत जाएंगे, डिपेंड करता है आपकी जगह पर, आपकी कबूतरबाजी पे, आपके खुडों पे इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें जो है ना हम लेके चलेंगे। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलते हैं, और कमेंट में आज बताइएगा कैसी राय है, क्या सोचा है आपके बारे, आप व्यूअर्स की क्या जो है वो इस हवाले से राय है।